धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कहा कि धर्म के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी होगा। संविधान पीठ के जजों ने यह फैसला हिंदुत्व से जुड़े एक केस की सुनवाई के दौरान लिया है। फैसले में कहा गया है कि प्रत्याशी या उसके समर्थक धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के नाम पर वोट मांगते हैं तो यह अब गैर कानूनी होगा। कोर्ट ने कहा कि चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष पद्धति है। माना जा रहा है कि आने वाले 5 राज्यों के चुनावों में इस फैसले का बड़ा असर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सी तलवार ने एक याचिका में कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि धर्म और राजनीति को मिलाया नहीं जाना चाहिए, धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अलग करने के लिए निर्देश जारी किए जाने चाहिए। वहीं उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के आधार पर अपने फैसले में कहा कि भगवान और मनुष्य के बीच का रिश्ता व्यक्तिगत मामला है। कोई भी सरकार किसी एक धर्म के साथ विशेष व्यवहार नहीं कर सकती और एक धर्म विशेष के साथ खुद को नहीं जोड़ सकती। चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला काफी ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव एक धर्म निरपेक्ष कार्य है, इसलिए इसकी प्रक्रियाओं में भी धर्म निरपेक्षता को लागू किया जाना चाहिए। चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब यह फैसला कितना अमल में लाया जाएगा ये सबके सामने होगा। देखते रहिए डीबी लाइव।